बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह से कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर 5 भर्तियों को रद्द किया गया है, उसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। आखिर किस कारण से इन भर्तियों को रद्द किया गया और आगे कैसे 7,000 भर्तियां सरकार करवाएगी? इन 5 भर्तियों में जिन युवाओं ने अपना पैसा और समय बर्बाद किया, आखिर उनका क्या होगा? क्योंकि हर साल कंपटीशन में नए बच्चे बढ़ जाते हैं, ऐसे में उनको नौकरी कैसे मिलेगी? सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। सरकार की मंशा नहीं है युवाओं को नौकरी देने की, सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के प्रपंच रच रही है। अब सारी की सारी भर्तियां लगभग 7,000 पदों में जो परीक्षाएं होंगी, वो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगे। काशीपुर से पौड़ी के बुआखाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 309 के 2 बरसाती नालों पर पुल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन निर्माण का समय पूरा होने के महीनों के बाद भी अभी तक वो नहीं बन पाए हैं, जिससे यहां पर गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि यहां पर पनोद और धनगढ़ी के बरसाती नालों में पुल बनाने का काम चल रहा है। उसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव ने NH के अधिकारियों से इन पुलों के निर्माण की डेडलाइन मांगी है, जिससे कि ये पुल जल्दी बन पाए। आज ही हमने मुख्य अभियंता को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है मैंने, और खास करके धनगढ़ी और और वो दूसरा जो नाले पे, बड़े नाले पे जो पुल है, उसका मैंने खुद से आज रिव्यू किया है। और हम अभी भी मैंने हल्द्वानी के मुख्य अभियंता और बाकी जो नेशनल हाईवे के अभियंता हैं उनको हमने बुलाया है।